Hi everyone. So let's get started. Can I have something in the chat box so that I know that you are there listening to me? My voice is reaching properly. Quickly, please. Okay. Hi, good evening. Good evening. Good evening. Can I have something in the chat box, guys? We have just joined in so that I can know that aap mujhe sun pa rahe hain, dekh pa rahe hain. आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक. हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग. आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इन दिस सीरीज करियर की बात रोहन के साथ. सो आई एम रोहन, योर होस्ट एंड गोस्ट, एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ टॉपर, या 7 हैबिट्स ऑफ टॉपर्स आई एम गोइंग टू डिस्कस. ये मेरे 11 साल के एक्सपीरियंस पे मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने इतने सारे एग्जाम्स के बच्चों को देखा है, उनके इंटरव्यू सुने हैं, उनसे डिस्कस किया है प्री सिलेक्शन एंड पोस्ट सिलेक्शन, तो बहुत कुछ मालूम पड़ता है. एंड ये सारा जो निचोड़ है मेरे हिसाब से ये 7 आदतें उन सब में थी जो कि अच्छे कॉलेज में जा पाए या अच्छा रिजल्ट ला पाए. ठीक है. सो कैन आई हैव समथिंग इन द चैट बॉक्स? आई कैन नॉट सी एनीथिंग इन द चैट बॉक्स. ओके, can you quickly write something in the chat box so that I know your voice is reaching me. Hi Tapan, hi Anshul, okay Mayank, Anand, hi Abhishek, Subhash, Murmu, Nancy, welcome to the session. This will be a 30-35 minute session, not more than that. Okay Ravati, रसिका, सिद्धार्थ, ओके. सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव जॉइंड इन एंड एवरीबडी इज एबल टू हेयर मी प्रॉपरली, एवरीबडी इज एबल टू डिस्कस विद मी प्रॉपरली. सो या क्या विक्टर, हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करेंगे. हाय विश्वजीत, हाय धैर्या, वेलकम टू द सेशन. हाय रोहन, वेलकम टू द सेशन. धनुश्री, वेलकम टू द सेशन. माधव, वेलकम टू द सेशन. हाय एवरीबडी. My request, hi Harsh, hi Amit, hi Subhash, Snehal, welcome to the session. So, हम लोग start कर रहे हैं आज. एक मैंने जैसा बताया आपको, जो लोग अभी just join किए उनके लिए repeat कर देता हूँ कि बहुत ही important agenda पे आज हम बात करने वाले हैं. That is what it takes to become a topper, या फिर ऐसी आदतें जो लगभग हर topper में थी जो कि अलग अलग एग्जामों को क्रैक किए, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे गेट का एग्जाम हो, चाहे कैट का एग्जाम हो. तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ वो बातें शेयर की जाए. अमन, यस डेफिनेटली, अगर आप अगले 6 महीने तक 8 महीने तक 4 महीने तक ये सारी बातें लेके जाएंगे तो डेफिनेटली यू विल डेफिनेटली गेट इम्पोर्टेंट थिंग. ठीक है. या अंकुर, यू कैन डू दैट. अगर आप अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करना चाहते हैं, यू कैन. वी आर जस्ट स्टार्टिंग, दिस विल बी अ 35 मिनट सेशन ऑल टुगेदर, एंड देन आई विल आंसर एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव. टिपिकली इस टॉपिक में क्वेश्चन नहीं होने चाहिए. नोटबुक पेन लेके बैठिएगा, काफी सारी चीजें मैं बताऊंगा उनको नोट कर. स्क्रीनशॉट लेने हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बट मेक श्योर दैट ये आदतें आपके पास हों और इन्हीं आदतों के बलबूते पे आप अच्छा स्कोर ला पाएंगे. ठीक है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एक इस आज के सेशन का एक रेफरेंस दे देता हूँ. एक जीवन में कभी टाइम मिले तो एक बुक पढ़ना, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीवन कोवी. और मैंने भी उन्हीं के कुछ आदतों को मैंने यहाँ पिक किया है. कुछ मैंने जो बच्चों से बात किया है पास्ट इयर्स के, जो मेरा 11 साल के एक्सपीरियंस से मेरे को जो बच्चे मिले हैं उनसे डिस्कस किया है. उनके बेसिस पे मैंने ये 7 हैबिट्स डिसाइड की हैं. और ये कोई मेरे दिल की बातें नहीं है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड बातें हैं जो बच्चों ने बताई हैं और जो बच्चों को फील होती है. ठीक है. सो डोंट फील कि ये सर आप अपना ओपिनियन दे रहे हो. नहीं, मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ. ये वो डेटा बोलता है. जितने भी आप टॉपर्स के इंटरव्यू सुनेंगे या जितने भी टॉपर से आप बात करेंगे, लगभग 99.99% आई कैन गारंटी यू कि ये 7 आदतें उनके पास थी. दीज वर द 7 हैबिट्स, दे वर ऑलवेज देयर, राइट. या सो या आशु, ऑल दीज थिंग्स प्लीज पुट इट इन द ईमेल. मैं आपको लास्ट में एक ईमेल आईडी दूंगा, उस पर आप ईमेल कर दीजिएगा. I think this is not the platform to discuss this area, but just listen to this. You will get everything out there.
ठीक है, द टेस्ट एंड एवरीथिंग इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, इट इज नॉट सपोज टू बी देयर इन द कोर्स राइट नाउ, इट विल बी इन ऑगस्ट, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है, ई बुक्स आर ऑलरेडी देयर, बट स्टिल इफ यू हैव एनी इश्यूज आप मुझे ईमेल लिखिएगा पर्सनल पे, यहाँ पर दिस इज नॉट द राइट फोरम टू डिस्कस ऑन दिस थिंग, ठीक है. आई रिपीट द बुक नेम विच आई वॉज सेइंग इज सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, दैट इज बेसिकली अ बुक बाय मिस्टर स्टीवन कोवी, STEVEN, स्टीवन कोवी, COVEY, कोवी, राइट, ही इज द ऑथर. एंड सेवन हैबिट्स बेसिकली उन्होंने बताया कि अगर सक्सेसफुल होना है, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो कोई भी लेवल का आदमी हो, उनके सक्सेसफुल होने के पीछे ये सात हैबिट्स का रोल था. एंड उन्हीं में से कुछ ग्लिम्स एग्जाम्स के लिए भी एप्लीकेबल होती है, एंड दैट इज व्हाई आई हैव टेकन फ्यू थिंग्स फ्रॉम दैट बुक एज वेल एज यू नो फ्रॉम स्टूडेंट फीडबैक विच आई हैव गॉट. ठीक है, चलिए सो क्विकली स्टार्ट करते हैं पहली हैबिट, ठीक है, जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, अपर्स थिंक एंड इन माइंड. देखिए ये उस किताब का भी पहला पॉइंट मिलेगा आपको कि जब तक आपके पास एंड इन माइंड नहीं है ना, कोई भी लड़ाई शुरू मत करना. एंड इन माइंड का मतलब होता है गोल, ठीक है, अगर आपका गोल डिसाइड नहीं है तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे. एंड द स्टेप्स हैज टू बी, सबसे पहले गोल को सेट करना है. मान लीजिए मेरे को गोल सेट करना है कि मैं ऑल इंडिया रैंक AIR टॉप 100 में लाऊंगा, दिस इज माई गोल. कीप एम्बिशियस गोल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट दैट गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर दो, मेक अ प्लान, ठीक है, आप अगर प्लान ही नहीं बनाओगे उसके लिए तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट आई वुड से गेट टू वर्क. प्लान बनाने में यहाँ स्टेज टू तक भी बहुत लोग पहुंच जाते हैं, ये नहीं कर पाते, राइट. थर्ड भी अगर आपने कर लिया, स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसके ऊपर स्टिक नहीं कर पाते, मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते, और अगर ये चौथा स्टेप भी पूरा किया तो डेफिनेटली यू विल रीच द गोल. प्लीज मेक श्योर दैट दिस इज अ प्रोसेस व्हाई यू शुड लुक एट. एक दूसरी दिक्कत क्या होती है गोल सेटिंग के अंदर, तो एंड इन माइंड का मतलब है आपको गोल आपका बहुत क्लियरली सेट करना है कि मुझे क्या जाना है, और ये जो आपका गोल होगा ये आपके बेसिस पे होगा कि मुझे कहाँ पहुंचना है. बिना गोल के ना तो युद्ध लड़ा जाता है, ना इलेक्शंस लड़े जाते हैं, ना कोई एग्जाम पास किया जाता है. तो अगर आप बिना गोल के चल रहे हो कि जो मिल जाएगा अच्छा वाला कॉलेज ले लेंगे, प्लीज डोंट डू दैट, यू विल नेवर गेट अ गुड कॉलेज देयर. आपको अपना पोटेंशियल खुद डिसाइड करना होगा एंड उसके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी. बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सो थिंक एंड इन माइंड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आपका गोल आपके लिए सेट होना चाहिए, उसका एक प्लान होना चाहिए, तभी जाके गाड़ी बढ़ेगी. दूसरी चीज, ये गोल जो होना चाहिए वो राइटिंग फॉर्म में होना चाहिए, मतलब आप हवा में नहीं होना चाहिए. आप कहेंगे कि नहीं सर मेरे को तो सब पता है मुझे क्या करना है, राइट, मुझे मुझे ये टॉप कॉलेज में जाना है या मुझे इस पोजीशन पे पहुंचना है, वो मेरे दिमाग में है. नहीं, प्लीज राइट इट डाउन. हमारी दिक्कत क्या होती है पता है, सबसे बड़ी, हम लोग है ना डरते बहुत है, एंड वी ऑल फेस अ प्रॉब्लम विच इज कॉल्ड एज LKK. LKK से बहुत डरते हैं हम लोग. व्हाट इज LKK? यू नो, लोग क्या कहेंगे, हमारी प्रॉब्लम है लोग क्या कहेंगे. हम डरते हैं, कोई मेरे से पूछ रहा है कि सर बेटा आप ये एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो? नहीं अंकल, मैं तो कोई एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करता, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, बस कॉलेज हो जाए, बस उतना ही मेरा गोल है. क्यों डर रहे हो यार? यू आर प्रिपेयरिंग, वाई आर यू फूलिंग योर सेल्फ? प्लीज अंडरस्टैंड. याद करो अपने 10वीं के बोर्ड एग्जाम्स में सबको पता था कि आपका 10वीं का बोर्ड एग्जाम है. वो दूर वाली चाची जी का भी फोन आता था ना फोन पे, तो मम्मी से पूछते थे बेटे की पढ़ाई कैसी चल रही है. क्यों? क्योंकि दैट वॉज पब्लिसाइज्ड. हमारी दिक्कत यह है कि हम पब्लिसाइज नहीं करते अपनी प्रिपरेशन को. माई रिक्वेस्ट टू यू इज पब्लिक योर प्रिपरेशन. अपनी प्रिपरेशन को पब्लिक कर दीजिए. चुपचाप छुपते छुपाते पढ़ोगे, डरोगे कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया तो मर जाओगे. प्लीज अंडरस्टैंड, मेक श्योर दैट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू आर पब्लिसाइजिंग योर प्रिपरेशन. घर में सबको पता होना चाहिए कि आपका प्रिपरेशन चल रहा है, अच्छे लेवल का प्रिपरेशन चल रहा है. समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अनलेस एंड अनटिल यू आर डूइंग दैट, यू विल नॉट बी एबल टू विन द गेम. क्लियर अंडरस्टैंडिंग में बता रहा हूं. टॉपर्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट आदत होती है, वो लोगों की बात नहीं सुनते. आई कम टू दैट पर्टिकुलर टाइम, बट प्लीज मेक श्योर लोग क्या कहेंगे. LKK से आपको बिल्कुल नहीं डरना है. पब्लिक में अपनी प्रिपरेशन बता दीजिए. माताजी को, पिताजी को, भैया को बता दो कि मैंने अपना ये गोल डिसाइड किया है, मैं ऐसा करने वाला हूं. आपको मैं बता रहा हूं वो नेगेटिव नहीं होगा. आपके जो भी वेल विशर्स है ना, वो आपको मोटिवेट करेंगे, आपके खाने पीने का ध्यान रखेंगे, राइट. प्लीज मेक श्योर दैट इफ यू आर नॉट
publicize the article, not make them your you know role model in journey, या उनकी मदद नहीं लोगे तो शायद बहुत गलती कर रहे हो. ठीक है, सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच अ टॉपर इज एंड इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आशु मिश्रा, एवरीबडी प्लीज कीप योर क्वेश्चंस फॉर द लास्ट. अभी राइट नाउ प्लीज लिसन टू मी, आई विल फिनिश अप द थिंग्स इन नेक्स्ट 10-15 मिनट्स, 20 मिनट्स, और फिर आप अपने सारे चैट में मैसेज डालिएगा, बिकॉज अदरवाइज इट विल बी डिस्ट्रैक्शन एंड आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक व्हाट एवर आई वॉन्ट टू से. ठीक है, सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज प्लीज पार्क योर क्वेश्चन फॉर अनदर 5-7-10 मिनट्स, और उसके बाद एक साथ सारे सवालों को पूछ लेना, मैं सब कुछ बता दूंगा आपको. ठीक है, ओके, या सो लेट अस, फर्स्ट प्रॉपर थिंग आई एम सेइंग इज थिंक एंड इन माइंड, मतलब गोल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. ठीक है, गोल नहीं है कोई फायदा नहीं होने वाला है. ठीक है, नेक्स्ट, सो एज आई से राइट योर प्लान रादर देन पब्लिश इट, उसको पब्लिश कर दीजिए, लोगों को बता दीजिए, और कहीं ना कहीं कागज पे स्टडी टेबल पे आपका प्लान लिखा हुआ होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, प्लीज मेक श्योर दैट यू राइट डाउन दिस थिंग्स, राइट. नेक्स्ट, सेकेंड हैबिट, टॉपर्स हैव अ सेल्फ बिलीफ. बॉस, अगर आपको अपने ऊपर बिलीफ नहीं है ना कि मैं यार टॉप 100 में ला सकता हूँ या टॉप 500 में ला सकता हूँ, तो गारंटी बोलता हूँ कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है. जिंदगी में अगर आपको, अगर कहीं ना कहीं दिमाग में रखना है कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, तो ही आपका सिलेक्शन होने वाला है. जब तक दिल ने नहीं कहा ना, दिमाग ने नहीं कहा ना कि आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, इट इज ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम माइंड. पहले युद्ध यहां जीता जाता है, उसके बाद जमीन पे जीता जाता है, समझ रहे हो, इतिहास गवाह है. जब तक सेल्फ बिलीफ नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू विन द गेम. आपको अपने अंदर एक जज्बा लाना होगा, एक बिलीफ लाना होगा कि यार मैं कर सकता हूँ. जितने भी टॉपर्स आज तक मैंने देखे हैं, उनको कहीं ना कहीं पता था, दिमाग में कहीं ना कहीं क्लैरिटी थी कि सर मैं कर सकता हूँ, आई हैव दैट सेल्फ बिलीफ, राइट. और खाली इमोशनल एंगल से नहीं बोल रहा हूँ, खाली दिली इच्छा से नहीं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली वो उतना मेहनत और उतना काम करते भी थे, तब जाके उनका रिजल्ट आता था. ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू नीड टू मोटिवेट योर सेल्फ. छोटे छोटे अचीवमेंट, छोटा छोटा टेस्ट लिखा आपने, अच्छा स्कोर आया, अपने आप को सेल्फ बूस्टिंग करो. दुनिया में कोई आपको बूस्टिंग नहीं करेगा, कोई टीचर, कोई पेरेंट के भरोसे मत रहो. आपको अपने आप को पैट ऑन द बैक देना है. मैं बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं जानता हूँ, छोटा छोटा टेस्ट देते थे, राइट, एंड व्हेन दे देन दे गेट 10 ऑन 10 मार्क्स और लेट्स से 8 ऑन 10 मार्क्स, दे शुड से वेरी गुड, शाबाश बेटा. अपने आप को बूस्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. कम टू अ जोन वेयर यू कैन से आई कैन, राइट, कम टू आई कैन जोन रादर फ्रॉम आई कांट. कोई कोई बोलता है ना, अबे तू तो फोड़ू है, हाँ तू तो टॉप 100 में रैंक लाएगा, नहीं नहीं यार मेरा कहाँ होगा, मेरा कहाँ सेलेक्शन, वो वाले जोन से बाहर आ जाओ. The moment you have very, very positive attitude, celebrate small victory. That is very important, as I said. Be with positive-minded people. आप उन लोगों के पास से साथ छोड़ दो जो लोग ये कह रहे हैं यार अपना selection कहाँ होने वाला है, right? अपन तो कहीं नहीं. Pessimistic लोगों का जमाना नहीं है, वो आपको भी negative करेंगे. Please उनके साथ मत रहिए. Yes, you are being selfish, but yes, that is important to become having a self-belief. अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा तो boss नहीं कर पाओगे. ठीक है, so, पहला मैंने बोला गोल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. थिंक एंड इन माइंड, जब आप कोई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो उसका अंत आपको पता होना चाहिए कि बॉस मैं कहाँ पहुंचना चाहता हूँ. सेकंड, एज आई सेड, अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ होना चाहिए. हाँ, मैंने जो गोल सेट किया है वो बहुत रियलिस्टिक है. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आज 60% वाला बच्चा हूं तो मैं ऑल इंडिया रैंक 1 लाऊंगा, लेकिन लेट्स से क्या मैं टॉप 1000 में रैंक ला सकता हूं? अपनी एस्पिरेशन और अपनी कैपेबिलिटीज को देखते हुए मैंने अपना गोल सेट किया है, तो मुझे उस पर बिलीव होना बहुत जरूरी है. ठीक है, सो दैट इज द सेकंड हैबिट व्हिच नॉर्मली टॉपर्स डू, दैट यू नीड टू हैव अ वंडरफुल सेल्फ बिलीव. इट इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर यू. जब तक सेल्फ बिलीव नहीं होगा शायद आप नहीं जीत पाओगे. ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड हैबिट व्हिच टॉपर्स हैव, प्लीज नोट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी. जोश सबको आता है, ताकत सब लगाते हैं. मैंने बहुत बच्चों को देखा है, सर फोड़ देंगे अब. ठीक है, आपने मोटिवेट किया, आपने चार्ज अप किया मेरे जीवन में, मैं आई डेफिनेटली बैंग ऑन हार्ड, बट थोड़े दिनों में वो ठंडक गिर जाती है, वो बर्फ पिघल जाती है. प्लीज मत होने देना. मैंने ऐसे बच्चे देखा है, आप सीढ़ियां देखते हो ना, मैंने यहाँ पे सीढ़ियों का फोटो लगाया. सीढ़ियां होती ना, सब कंसिस्टेंट होती ना, ऐसा तो नहीं कि चौथे नंबर की सीढ़ी बड़ी होती है और दूसरे नंबर की सीढ़ी छोटी होती है. नहीं, every steps is equal length. It is very very important for being consistent. आज आपके अंदर जो जोश भरेगा इस session करने के बाद, क्या November तक वो जोश maintain कर सकता हूँ, क्या September तक वो जोश maintain कर सकता हूँ, and nobody is going to come back. And रोहन सर के भरोसे मत बात करना, right? मेरे भरोसे मत बात करना, आप अपने आप से बात करना कि क्या मैं consistent हूँ. आज मैं performance अच्छा दे पा रहा हूँ, क्या कल भी अच्छा दे पाऊंगा?
चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो आपका कोई भी आईएएस टॉपर हो, चाहे कोई भी एग्जाम का टॉपर हो, कंसिस्टेंसी इज द की। प्लीज मेक श्योर दैट इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट, आज बहुत अच्छा काम कर रहे हो लेकिन कल नहीं कर रहे हो, आज मैं 6 घंटा पढ़ रहा हूँ लेकिन 3 महीने बाद नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं चलेगा। आप कभी भी सेल्फ सफिशियंट नहीं हो पाएंगे, प्लीज मेक श्योर दैट। सो द थर्ड क्वालिटी विच आई एम सेइंग इज द टॉपर्स आर ऑलवेज कंसिस्टेंट। अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है मर जाओगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैसे अचीव करोगे? देखिए छोटा छोटा मैंने आपको बताया, इसको लिख लो कहीं पर, नोट कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। इट इज वेरी एसेंशियल व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर, टेक एक्शंस। सबसे पहली चीज, कई बच्चों को मैंने देखा है सोचते बहुत है, यार मैं फर्स्ट रैंक लाऊंगा, यार मैं ऐसा करूंगा। अरे भाई सोचना क्या है, एक्शन लो, राइट, प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करो, टॉपिक टेस्ट दो, एस्पिरेशन पे जाओ, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्राई हार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी कैपेबिलिटी है 10 क्वेश्चन करने की 1 घंटे में, 15 कर सकता हूँ क्या, 12 कर सकता हूँ क्या? ट्राई हार्ड, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता यार। 30-40 लाख की नौकरी सबको चाहिए, अच्छा करियर सबको चाहिए, बट मेहनत नहीं करनी सर हमको, ऐसा थोड़ी होता यार। जब तक आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए किसी टॉपिक पे, आप मेरे पास या किसी भी फैकल्टी के पास कैसे जा सकते हो कि सर मुझे नहीं आ रहा? हार्ड मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा रूल है, सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपकी बात इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लोर डिफरेंट वेज, डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आस्क समवन फॉर एडवाइस, टेक अ मेंटर, समबडी कैन हेल्प यू कि कैसे मैं जाऊं, मैं ठीक जा रहा हूं कि नहीं। जैसे कोच होता है ना, जिम में एक ट्रेनर होता है ना, ऐसा एक कोच ले लो जो कि आपको मोटिवेट कर दे। मे बी आपके घर में कोई हो सकता है, कोई कॉलेज में हो सकता है, फ्रेंड्स में हो सकता है। प्लीज मेक श्योर दैट दे आर पुशिंग यू हार्ड कि यार मैं आज 10 लेवल यूनिट का काम कर सकता था, क्या मेरे को किसी ने पुश किया तो मैं 12 यूनिट का काम कर पा रहा हूँ, किसी ने पुश किया तो मैं 14 यूनिट्स का काम कर पा रहा हूँ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डू योर बेस्ट, डोंट कॉम्प्रोमाइज, प्लीज अंडरस्टैंड। देखो ये जो 6-8-10 महीने आपके जीवन में है ना, ये आने वाले 6-8-10 साल को आपके डिफाइन करेंगे। मानते हो इस बात को? ये जो 6-8-10 महीना 20 महीना जो भी आप डिवोट करोगे, वो आने वाले 6-8-10-20 महीने की जगह 10-20 साल आपके डिफाइन करेंगे कि आप कौन सा टैग लेके मरते हो या कौन सा टैग लेके इस दुनिया में जीते हो। क्या वो IIT IIMs या टॉप लेवल का आपने टैग लिया है, क्या वो ONGC IOCLs जैसी कंपनीज में जॉब कर रहे हो, अगर Facebook Intel जा रहे हो मास्टर्स करके, ठीक है, या नहीं जा रहे, राइट। प्लीज मेक श्योर दैट टैग नेम इज इंपॉर्टेंट। तो पूरी जान लगा देना, डू योर बेस्ट। मैं ये नहीं कहता फर्स्ट रैंक लाइए, पर ये कहता हूँ आप फर्स्ट रैंक वाली मेहनत जरूर करिए, आप पूरी ताकत लगा दीजिए। कहीं पे भी आपको ये नहीं बोलना है बाहर आके एग्जाम सेंटर से, यार और मेहनत की होती तो अच्छा होता, क्यों नहीं की बॉस, अभी तो टाइम है, लड़ लो, कर लो, यू विल गेट सक्सेस इन लाइफ। ठीक है, सो डू योर बेस्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। लर्न हाउ अदर्स दे डिड, जैसे आज हम सेशन कर रहे हैं कि दूसरों ने कैसे किया था, क्या मैं उन जैसा काम कर पा रहा हूँ? अगर वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे थे तो मैं भी कंसिस्टेंट हूँ क्या? मैं पहले 6 घंटे पढ़ता था, आज भी 6 घंटे पढ़ रहा हूँ? इफ यू कैन डू दैट यू विल विन द गेम। ठीक है, बिल्ड अपॉन योर स्ट्रेंथ्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो स्ट्रेंथ एरियाज हैं उन पे खेलिए, कभी भी वीकनेस पे ज्यादा खेलने की जरूरत नहीं होती है, फ्रंट फुट पे खेलना है बिकॉज दैट इज माई स्ट्रेंथ। ठीक है, रिव्यू, अपने आप को रिव्यू कीजिए, रिविजन कीजिए, मिस्टेक्स निकालिए और मिस्टेक्स को ठीक कीजिए। एंड फाइनली आई वुड से डोंट गिव अप, दैट इज इंपॉर्टेंट। द कंसिस्टेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर है कि गिव अप नहीं करना है बॉस। ठीक है, होता क्या है, हम लोग जोश में आते हैं, हम मान लीजिए यहाँ पर हैं, आज रोहन सर का सेशन सुना, हमारा मोटिवेशन ऊपर चला गया, हम बहुत सारा किताब विताब उठाए, लेकिन थोड़े दिन में नीचे 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 आते आते और यहाँ पे आते 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 बहुत सारे बच्चे गिर जाते हैं। थोड़े बहुत बच्चे होते हैं जो एग्जाम के एंड दिन तक पहुंचते हैं। प्लीज मेक श्योर दैट आप उस स्थिति में नहीं आए, आपका ग्राफ जो है वो ऐसा ही रहना चाहिए। जितना ये फ्लैटन कर पाओगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। बात समझ में? ठीक है, सो थर्ड हैबिट मैंने बताया आपको, कंसिस्टेंसी। मैं रिपीट कर देता हूं अभी तक। पहला हैबिट मैंने आपको बताया था, सेट अ गोल, थिंक एंड इन माइंड। जिसका गोल नहीं है वो नहीं जीत पाएगा। और लिखा हुआ होना चाहिए आपका गोल, पब्लिसाइज इट, टेल इट टू पीपल दैट दिस इज व्हाट आई एम गोना डू। ठीक है, सेकंड, your important aspect which I said apart from setting up a goal is to have what was the second thing, I'll just go back, self belief, right? Apne upar self belief hona bahut zaruri hai ki main kar sakta hu, vishwas la sakta hu. And third I said was consistency. Ye consistency nahi hogi, consistent nahi honge to
तो नहीं जीत पाओ। जैसा मैं आज मेहनत करूंगा ऐसा ही दो महीने बाद तक करता रहूंगा, ऐसा ही एग्जाम तक करता रहूंगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, फोर्थ हैबिट पे चल रहा हूँ क्विकली। फोर्थ हैबिट, टॉपर्स डू स्मार्ट वर्क। व्हाट इज स्मार्ट वर्क सर? स्मार्ट वर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मार्ट प्लस हार्ड। दिस इज स्मार्ट प्लस हार्ड, ये मेरा टर्म है। यू नो इट इज स्मार्ट वर्क विच से स्मार्ट प्लस हार्ड वर्क। ठीक है, देखो कई लोग बोलते हैं कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, बट खाली स्मार्ट वर्क काम नहीं करता है, जिसको हम ओवर स्मार्टनेस कह देते हैं। हार्ड वर्क तो लगेगा बॉस। अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते टाइम अपने करियर में तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सो मेक श्योर दैट स्मार्ट वर्क, दैट मीन्स शॉर्ट ट्रिक्स, क्वेश्चन के वेराइटी सब सीखना है, लेकिन बिना हार्ड वर्क के नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से खाली स्मार्ट वर्क काम नहीं करता, खाली हार्ड वर्क भी काम नहीं करता, इट हैज टू बी अ मिक्स ऑफ टू, एंड दैट इज व्हाई आई से इट इज अ स्मार्ट वर्क। ठीक है, ये मेरा टर्म है, किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको। आई नॉर्मली टेल स्टूडेंट्स डू स्मार्ट वर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, व्हाट डू आई मीन बाय स्मार्ट वर्क? सबसे इंपॉर्टेंट मैं क्या बताना चाहता हूँ, स्मार्ट वर्क का मतलब क्या हुआ, राइट? डोंट डू अ पीएचडी इन अ सब्जेक्ट। कई बार बच्चे क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट के पीछे पड़ते हैं और जम के ऐसा पीछे पड़ते हैं कि बस आप मतलब यही करूंगा जिंदगी में, राइट? छह महीने लगाऊंगा सर इसको तो मैं नहीं होगा बॉस। प्लीज अंडरस्टैंड, हमारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है वो इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि 100 में से 100 कभी नहीं आएगा। प्लीज मेक श्योर दैट कभी नहीं आएगा 100 में से 100। यू जस्ट नीड टू, नॉर्मली मैं रूल देता हूँ, विच आई नॉर्मली कॉल इज 80-80 रूल, राइट? अगर आपको नहीं पता है तो बताता हूँ व्हाट इज माय 80-80 रूल। प्लीज मेक श्योर दैट अप्लाई 80-80 रूल। व्हाट डू आई मीन बाय से 80-80 रूल? सिंपल तरीका है उसका, आपका जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जो भी चैप्टर या कोई भी सिलेबस आप कर रहे हो, उस सिलेबस का 80% सिलेबस पढ़िए, 100% नहीं पढ़ने जाओ। इवन इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि मैंने 80% पढ़ लिया है, और इसका 80% पेपर में परफॉर्म करो, इसका 80% पेपर में परफॉर्म करो, राइट? तो मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है या 100 नंबर का सिलेबस है, तो 100 नंबर में से कितना पढ़ने को कह रहा हूं मैं, 80 मार्क्स का पढ़ने को कह रहा हूं, और इसका भी 80% परफॉर्म करने को कह रहा हूं, इन योर मॉक टेस्ट, इन योर टॉपिक टेस्ट, इन योर सब्जेक्ट टेस्ट। तो 80% विल बी हाउ मच मार्क्स? 64% मार्क्स। आ रहा है क्या आपको आज इस चैप्टर में या इस सेक्शन में, इस सब्जेक्ट में आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा है तो फिर 100 के पीछे क्यों भाग रहे हो बॉस? मेरी बात समझ रहे हो? व्हाट इज एन 80-80 रूल? मेरा 100% कहना है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड पिछले टॉपर्स के रिपोर्ट में बता रहा हूँ, 80% चीजों को पढ़ो, उसका 80% ही परफॉर्म करो, तो भी 64 मार्क्स आता है, तो भी 64% मार्क्स हो जाता है। पहले उतना तो लाऊं, उसके बाद आगे जाने की सोचूंगा। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सो किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी करने मत चले जाना, मतलब किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक में 100% सिलेबस पकड़ने की कोशिश करना मत करना, नहीं कर पाओगे। आज मैं भी नहीं कर सकता, कोई भी फैकल्टी विच इज एक्सपीरियंस वो भी नहीं कर सकता। सो प्लीज मेक श्योर, स्मार्ट वर्क का मतलब होता है ट्रिक सीखना, शॉर्टकट सीखना, फैकल्टी से वेराइटी सीखना, व्हाट इज इंपॉर्टेंट व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट करना। ऐसा नहीं कि किताब उठाए और चलो धड़ पढ़ रहे हो, दिस इज नॉट स्मार्ट वर्क, राइट? आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, कितनी कितनी चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए कम इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल। एंड स्मार्ट वर्क के साथ साथ ये भी मैं नहीं सोचना कि खाली स्मार्ट वर्क कर लिया काम हो गया, साथ साथ में हार्ड वर्क भी जरूरी है। अगर आप 5 से 6 घंटा एवरीडे डिवोट नहीं कर रहे हो तो टॉपर बनने का मत सोच, सर्वाइवल के लिए पास हो जाओगे एग्जाम में, बट इफ यू आर नॉट स्टडिंग 5 hours a day, आई डोंट थिंक यू आर गोना विन द गेम, बिकॉज आप अकेले थोड़ी हो, हिंदुस्तान में लाखों बच्चे आप जैसा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। गेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे वी हैव 70,000 पीपल हु आर प्रिपेयरिंग विद अस, 70,000, प्लीज अंडरस्टैंड, सिंगल प्लेटफॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर काइंड, डिफरेंट एग्जाम्स के लिए दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अस, प्लीज अंडरस्टैंड दे आर योर कॉम्पिटिटर्स। आप जैसे लड़ाई करने आए हो ऐसे दूसरे लोग भी तैयार है, सो प्लीज मेक श्योर दैट अ स्मार्ट वर्क एज वेल एज हार्ड वर्क का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो दिस इज द फोर्थ हैबिट अकॉर्डिंग टू मी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड डू। ठीक है, so this is what you need to do when we say smart, you have to have specific goals, measurable goals, achievable goals. aise goals nahi rakhne le aapko ki jo achievable nahi hai, theek hai, realistic hone chahiye and uska ek time frame hona chahiye ki yaar boss maine ye smart preparation usko kehte hain ki maine ye 3 chapter khatam karne hain ya 2 subject khatam karne hain in let's say 1 month, lekin ye nahi bolna hai ki ye 3 chapter ya 3 unit main khatam kar dunga 2 din mein, it is very very difficult। सो टाइम फ्रेम होना बहुत जरूरी है और ऐसे मेजरेबल गोल्स रखो जिसको मेजर कर सकते हो। ये मत बोलो कि आज मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनेमिक्स पढ़ूंगा, या आज मैं लेट्स से मैथ्स पढ़ूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय मैथ्स पढ़ूंगा। बॉस आपको मेजर करना है उसको, ये वाला चैप्टर इतने क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन, ये वाली बुक
इसके लेवल वन एस्पिरेशन के तीन टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, टॉपिक, जो भी डिफाइन करना है उसको डिफाइन कीजिए. इट शुड बी मेजरेबल. मेजरेबल का मतलब ये नहीं होता है पढ़ूंगा, कितना पढ़ोगे, मैं आज एक नॉवल पढ़ूंगा, कितना पढ़ोगे नहीं पता, बॉस 30 पेजेस पढ़ूंगा. डिफाइन दैट एंड बिना 30 पेजेस के नहीं जाना है. देखो जब तक जिद नहीं होगी ना, ये जितने भी टॉपर्स की हम बात कर रहे हैं इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक बात थी, दे ऑल वर जिद्दी. मैं नेचर की बात नहीं कर रहा हूं, अपना रिजल्ट लाने में जिद्दी. जब उन्होंने गोल सेट किया था उनके पास सेल्फ बिलीव था, वो कंसिस्टेंट थे, वो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क करते थे, तो साथ साथ में वो जिद्दी भी थे. दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं सर मुझे चाहिए. याद करो वो बचपन के दिन जब आप आइसक्रीम के लिए जिद करते थे पापा से मम्मी से. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप जब तक पापा से मम्मी से जिद नहीं करते थे, आप याद है वो दिन आप जब हम बिलक जाते थे, यू नो, पब्लिक में लेट जाते थे, दरवाजा बंद कर देते थे, गुस्सा हो जाते थे, मुझे वो चीज चाहिए. बस वही आज भी जिद की जरूरत है, नहीं तो नहीं होने वाला. दिस वेरी वेरी क्रिटिकल आई कैन टेल यू. ठीक है, नेक्स्ट क्वालिटी इज टॉपर्स आर प्रोएक्टिव. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय प्रोएक्टिव. वो किसी का इंतजार नहीं करते, वो ये नहीं सोचते कि ये टॉपिक मेरा कवर हुआ कि नहीं हुआ, वो खुद से निकल पड़ते हैं. राइट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव. एक पीपल होते हैं रिएक्टिव, वो कुछ ना कुछ ब्लेम ही करते रहेंगे. राइट, उनकी आदत होती है ब्लेम डालना, है ना. वो कहते हैं ना किसी छोटे बच्चे से ग्लास गिर जाता है तो क्या बोलते हैं, हमारी अपनी इंडियन मेंटालिटी है, क्या बोलते हैं हम, ग्लास गिर गया. अरे ग्लास गिर गया क्या होता है, तुमने गिराया है. टेक द ब्लेम, से आई हैव ड्रॉप्ड दिस, हैव द गट्स टू से दैट. राइट, व्हाई आर यू बीइंग रिएक्टिव एंड ब्लेमिंग पीपल, व्हाई आर यू सेइंग सिस्टम बहुत खराब है, व्हाई आर यू सेइंग मेरा कॉलेज अत्याचारी है, अटेंडेंस का लफड़ा करता है, अभी लॉकडाउन में भी ऑनलाइन क्लास लगा दिया उसने, मैं कैसे पढ़ू सर. प्लीज ये सब बातें मत सोचिए. टॉपर्स कोई बहाना नहीं देते. अगर वो हारेंगे बोलेंगे सर मैंने मेहनत नहीं की, मैं हार गया. अगर वो जीतेंगे तो वो अपने बलबूते पे जीतेंगे. यार देखो तकलीफ किसको नहीं है, डोंट फील कि तुम्हारी तकलीफ है. तुम जॉब करते हो तुम्हारा बॉस अत्याचारी है, तुम कॉलेज में पढ़ते हो तुम्हारा कॉलेज अत्याचारी है, ये सबके साथ है. आप जिसकी भी जिंदगी उठा के देखो ना, जितने भी लाखों बच्चे हैं, एवरीबॉडी इज हैविंग सम और द अदर चैलेंज. राइट, अगर चैलेंज नहीं होता तो फिर वो सक्सेस का मजा ही क्या है. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर प्रोएक्टिव, फिनिश थिंग्स ऑन योर ओन, डोंट बॉदर अबाउट थिंग्स ये कब होगा कैसे होगा. लर्न टू बी सेल्फ रिलायंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. खुद से करना इंपॉर्टेंट है. और कॉलेज में तो अब ये सीख ही गए होंगे कि ये स्कूल नहीं है जहां पर टीचर होमवर्क पूछने वाला है, आपको खुद अपना लड़ाई खुद लड़ना होगा और जीतना होगा. ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड एज आई से इज इंपॉर्टेंट. सो दीज आर द डिफरेंसेस इफ यू सी प्रोएक्टिव वर्सेस रिएक्टिव. आई फाउंड दिस स्लाइड वेरी इंटरेस्टिंग, सो मैंने आपको सोचा कि यहां पर बता दूं. प्रोएक्टिव कौन होते हैं, अहेड ऑफ शेड्यूल. ठीक है, क्लास में एक बाद में होने वाला है, मैं पहले ही पढ़ के बैठा हूं. राइट, दे डोंट कीप एनीथिंग विच इज पेंडिंग. अगर उन्होंने टास्क लिस्ट बनाई है कुछ भी नहीं होगा, बहुत मिनिमल चीजें उसकी पेंडिंग होगी. दे परसीव्ड एज स्टार, पीस ऑफ माइंड, दिमाग एकदम ठंडक से, ठंडे दिमाग से वो लोग लड़ाई लड़ते हैं. और रिएक्टिव पीपल हमेशा बिहाइंड शेड्यूल चलेंगे, बहुत सारे पेंडिंग टास्क रहेंगे, हर चीज को उनको फेलियर दिखाई देता है, हर चीज को ब्लेम करेंगे और दिमाग एकदम पीस ऑफ माइंड नहीं होगा. सो दीज आर यू नो रिएक्टिव पीपल. सो यू शुड नॉट बी रिएक्टिव, यू शुड बी प्रैक्टिकली प्रोएक्टिव. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ओके, नेक्स्ट हैबिट पे चल रहा हूँ. टॉपर्स आर अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन. दिस इज द सिक्स्थ हैबिट आई कैन टेल यू. डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए बॉस. गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चक्कर प्लीज इस साल मत करना. राइट, बाद में कर लेना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं उस बात से. इस साल मत करना. इनकमिंग कॉल्स, फेसबुक, गूगल, रिमाइंडर, पार्टी. इस साल दिवाली नहीं मनाओगे चलेगा, इस साल गणपति नहीं कर, वैसे भी कोरोना है. ठीक है, चलो कोरोना नहीं भी होता, प्लीज मेक श्योर कोई डिस्ट्रैक्शन आपके सामने नहीं आना चाहिए. राइट, अगर आपको याद है क्या, बोर्ड एग्जाम्स, पापा ने केबल कनेक्शन कटवा दिया, मम्मा ने फोन ले लिया, ये सब जरूरी है. प्लीज अंडरस्टैंड दीज टॉपर्स जो कि अच्छा परफॉर्म किए हैं, कोई भी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते थे. प्लीज मेक श्योर दैट यस, रिलैक्सेशन जरूरत है, मैं मना नहीं करता हूं आपको, बट दैट डज नॉट मीन एवरीथिंग. दैट डज नॉट मीन एवरीथिंग. क्लियर है? प्लीज मेक श्योर दैट यू आर अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन. ये जो गूगल, फेसबुक आप बिल्कुल यूज ना करें. यस, आप ब्लॉग्स पढ़ें, आप आर्टिकल्स पढ़ें, आप इंटरनेट को यूज करें, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, बट कंस्ट्रक्टिव सेंस में कीजिए. क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कीजिए. ढूंढिए यूट्यूब पे अच्छे वीडियो. राइट, आप प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है, वी हैव लॉन्च समथिंग कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस. ठीक है, अभी आप नेटफ्लिक्स पे जाओगे आपको दिखेगा कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, वेयर वी आर गिविंग यू 100 क्वेश्चंस व्हिच आर क्वालिटी क्वेश्चंस. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो हम इसकी सीरीज 2 भी लेके आएंगे. ठीक है, यू कैन सर्च ऑन गूगल एंड से गेटफ्लिक्स
कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन या इसी यूट्यूब चैनल पे आप इस सेशन के बाद देख लेना, 100 क्वेश्चंस वी आर गिविंग. सो सच काइंड ऑफ थिंग्स यू फाइंड आउट, सॉल्व इट. घर में बैठ के क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. एप्टीट्यूड के मैंने क्वेश्चन दिए हैं, कैट लेवल, गेट लेवल, यूपीएससी लेवल के एप्टीट्यूड के मेरे आप सेट करोगे. आप सर्च कीजिए कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन एप्टीट्यूड बाय गेटफ्लिक्स और इसी चैनल पे आपको मिलेगा सैंपल. गो थ्रू दोस टाइप्स ऑफ थिंग्स, बट प्लीज डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टॉपर्स इन्वेस्ट टाइम इन शार्पनिंग द सॉ. आपको किसी को पेड़ काटने के लिए एक स्टोरी है ना बहुत फेमस, कि अगर पेड़ काटने के लिए दो लोगों को बोला और एक आदमी पेड़ काटना स्टार्ट कर दिया और बोला कि 3 दिन में आपको ये पेड़ काटना था, ठीक है, दूसरा आदमी पता नहीं कहीं चला गया और 3 दिन के बाद ही लौटा, राइट, वो कहाँ चला गया, बेसिकली अपनी जो आरी थी, जो सौ थी, उसको घिसाई करने के लिए. तो मेक श्योर दैट यू आर इन्वेस्टिंग टाइम नॉट ओनली इन वेटिंग फॉर द टास्क टू बी डन, यू आर ऑल्सो होनिंग योर स्किल्स. लास्ट स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंटली सुनना इन सब बातों को. या देर या सो नाउ यू विल बी एबल टू डू दैट. ठीक है, जस्ट वेट, आई टेल यू. सॉल्व वेराइटी, सॉल्व मोर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार मैंने बच्चों को देखा है, सर मैंने आज 100 क्वेश्चन सॉल्व किए. अच्छा भाई, क्या सॉल्व किए? पहला क्वेश्चन 2+2, दूसरा क्वेश्चन 5+7, तीसरा क्वेश्चन 9+8. अरे भाई, तूने एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया, प्लस करना. प्लीज अंडरस्टैंड, एंड हेंस यू नीड टू हैव कॉन्सेप्ट. ये जो हमारा कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन लाने के पीछे का पर्पस भी था कि एवरी कॉन्सेप्ट विल बी कवर्ड इन दिस 100 क्वेश्चंस. ये 100 क्वेश्चंस आप देख लोगे एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, तो 100 कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए बॉस. इसलिए कह रहा हूँ सॉल्व वेराइटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सॉल्व मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपको टॉपर बनना है ना, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन दीजिए. जब तक वो नहीं करोगे, तब तक नहीं जीत पाओगे. क्लियर है? ठीक है, ओके. नेक्स्ट, मेक सेपरेट फॉर्मूला बुक. इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट लिख लो, छोटे बच्चों वाली बात बोल रहा हूं, बट एक सेपरेट फॉर्मूला बुक लिखना, जिसमें लाल पीले काले पेन से आपको रिमार्क्स डालने चाहिए. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तीसरी बार मैं देख रहा हूँ सॉल्व करते वक्त. मैं लास्ट ईयर पेपर्स को उठा के देखा, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था. CTQ मैंने सॉल्व किया, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें भी ये था. सर ने भी क्लास में ये क्वेश्चन का टाइप का क्वेश्चन कराया हुआ है, राइट. सो मेक श्योर दैट यू हैव अ सेपरेट फॉर्मूला बुक. यहाँ पे आप स्टार मार्किंग करेंगे, ये कॉन्सेप्ट 3 बार 4 बार आपने देख लिया, मॉक टेस्ट में आपने देख लिया, सब्जेक्ट टेस्ट में आपने देख लिया, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसको डबल ट्रिपल 5 स्टार दे दीजिए, बिकॉज ये आपको रिवाइज करने के टाइम पे बहुत काम आएगा. एंड प्लीज मेक श्योर एक सेपरेट फॉर्मूला बुक बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये रिविजन के टाइम पे एग्जाम से 1 महीना पहले यही फॉर्मूला बुक आपके लिए गीता होगी, राइट, यही बाइबल होगी, यही कुरान होगी आपकी. सो मेक श्योर दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, या यूज रेफरेंस बुक फॉर सब्जेक्ट यू आर वीक एट. सपोज करो कि आप अभी तो आपके पास समय है, अगर आप कोई टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो रेफरेंस बुक यूज कीजिए उसके लिए, राइट. एंड डोंट रीड रेफरेंस बुक फॉर एनीथिंग. रेफरेंस बुक उन्हीं चीजों की करो जो आपके वीक एरियाज हैं. अब डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है. मान लीजिए आप अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारा टाइम है, सो देन यू कैन हैव मोर रेफरेंस बुक. बट प्लीज मेक श्योर दैट रेफरेंस बुक लिमिटेड सब्जेक्ट की जरूर करनी चाहिए जिसमें आप वीक हैं. एंड अगेन डिपेंड्स अपॉन हाउ यू मेक फॉर्मूलाज ऑन दैट थिंग. ठीक है, या ओके, फेयर इनफ. नाउ लेट मी प्लीज सारे क्वेश्चन राजेंद्र, एवरीबॉडी प्लीज कीप इट फॉर लास्ट. आई विल अलाउ यू टू आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज यू वांट, जस्ट गिव मी 2-3 मिनट्स, आई विल फिनिश अप दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, रीड अ लॉट, इन्वेस्ट टाइम वाइजली. एज आई सेड, अपना समय ढंग से इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर टॉपर बनना है तो सेल्फिश भी होना पड़ेगा. दोस्तों का फोन आ गया, दोस्तों ने बोला बाहर चलना है, मना कर देना अगर आपने कोई टारगेट रखा है, कोई शर्म नहीं है. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपके यही दोस्त आपको क्रिटिसाइज करेंगे, अभी आपको बोलेंगे कि बॉस तू तो कैलेंडर है, तू तो बहुत पढ़ाई करता है, यू नो, और तेरा तो तू तो हमारे साथ रहता ही नहीं है. बट प्लीज मेक श्योर दैट यही दोस्त आपको कंधे पे लेके घुमाएंगे जिस दिन आप रिजल्ट ले आओगे, और वही सब लोगों को जाके बोलेंगे, अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे डालेंगे, यार ये लड़का जो है मेरा दोस्त है जिसने ऑल इंडिया रैंक 5 लाया है, ये ऑल इंडिया रैंक 7 लाया, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, राइट. याद है वो छोटे बच्चे थे तो हमारे जब बर्थडे होता था, राइट, चॉकलेट बांटने जाते थे, राइट, साथ में मुझे लेके गया है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है. ठीक है, प्लीज मेक श्योर दैट जिसका बर्थडे है उसको सब तालियां बजाएंगे, राइट. सो दैट इज व्हाट यू टू अंडरस्टैंड. प्लीज मेक श्योर दैट इन्वेस्ट योर टाइम वेरी वेरी वाइजली. मैंने आपको पहले भी समझाया है, ये 6 से 8 महीने आपकी जीवन के अगले 6, 8, 10 साल को डिफाइन करेंगे. सो प्लीज मेक श्योर आप ज्यादा से ज्यादा रीड करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, एंड इन्वेस्ट टाइम एज वाइजली एज पॉसिबल. क्लियर है? ठीक है,
राइट, सो प्लीज मेक श्योर दैट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. शार्पनिंग द सॉ में एक और इम्पोर्टेंट चीज है फिजिकल डायमेंशन, छोटा मोटा एक्सरसाइज करना, हेल्दी खाना, क्योंकि देखो जितना आप अनहेल्दी खाओगे ना उतना आपका ब्रेन भी काम नहीं करता, बायोलॉजिकल साइकिल है. रिलैक्स, नींद बराबर नहीं लोगे आप, 6 से 8 घंटे की नींद अगर नहीं लेते हो मर जाओगे. मैं कभी नहीं कहता कि नींद कम करो, मैं कहता हूँ व्हाट्सअप कम करो, मैं कहता हूँ इंटरनेट पे यूट्यूब देखना कम करो फालतू की चीजों को, ठीक है. कंस्ट्रक्टिव चीजें देखो, मोटिवेशनल चीजें देखते हो नो प्रॉब्लम, यू कैन डू दैट. क्वेश्चन सॉल्विंग करते हो, वीडियो सुनते हो, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझते हो, अंडरस्टैंड, बट कीप योर सेल्फ रिलैक्स. पेट ठीक होना जरूरी है, खाना ठीक खाना जरूरी है. अनशन खा लिया अगले दिन पूरा खराब हो गए, मैं ये नहीं कह रहा बीमार पड़ गए, लेकिन आपकी बायोलॉजिकल साइकिल हिल जाती है. ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो सेवेंथ हैबिट इज वेरी एसेंशियल. अभी से आप एवरी डे ये सोचो कि कल मेरा परसों मेरा पेपर है तो मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए. इफ यू कैन एनर्जाइज विद योर एक्सरसाइजेस यू कैन, क्लियर है. तो ये 7 बातें मुझे बोलनी थी आपको. दीज वर 7 habits ऑफ हाईली इफेक्टिव टॉपर्स. आई विल क्विकली कम बैक एंड जस्ट रिवाइज व्हाट आई हैव टोल्ड. इन केस यू वांट टू नोट इट डाउन यू कैन. मैंने आपको क्या क्या बताया एंड देन आई विल ओपन द राइट. आई एम क्विकली रिवाइजिंग थिंग्स. थिंक एंड इन माइंड, कीप गोल. जब तक गोल नहीं होगा कुछ नहीं होगा. सेट गोल, मेक अ प्लान, गेट टू वर्क, स्टिक वेरी इंपॉर्टेंटली टू इट एंड देन रीच द गोल. वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. नेक्स्ट, एज आई सेड, उस प्लान को पब्लिसाइज कीजिए. वेरी इंपॉर्टेंट है. जब तक पब्लिसाइज करोगे तब तक कोई फायदा नहीं हो रहा. लोगों को बताओ कि मेरा 10वीं का बोर्ड एग्जाम जैसी सिचुएशन क्रिएट करो. लोग आपकी मदद करेंगे, आपके वेल विशर्स आपको मोटिवेट करेंगे, बेटा पढ़ कर मेहनत कर, हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट, आई एम सेइंग टॉपर्स हैव सेल्फ बिलीफ. अंदर से जुनून होना चाहिए. अपने आप को मोटिवेट कीजिए, छोटे छोटे अचीवमेंट को सेलिब्रेट कीजिए एंड पॉजिटिव माइंडेड लोगों के साथ रहिए. वेरी इंपॉर्टेंट. Come to a zone in I can from I cannot. ठीक है, उस zone से बाहर आ जाइए. ठीक है, you can do this. You have done miracles in the past. आप यहाँ तक पहुंचे हो तो जीवन में बहुत कुछ करा है. अपने ऊपर विश्वास रखिए, आगे भी कर सकते हो. ठीक है. Third, I said consistency is the key. हर रोज consistent होना बहुत जरूरी है. ये नहीं 4 दिन 5 दिन किया आगे नहीं कर सकते. Keep practicing. Consistency बहुत important है. Toppers के अंदर consistency होती है. ठीक है. Fourth, टॉपर्स डू स्मार्ट वर्क, विच इज स्मार्ट प्लस हार्ड वर्क. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ट्रिक सीखें, इस एक टॉपिक के पीछे पढ़ ना जाएं. डोंट डू PhD इन अ सब्जेक्ट, अप्लाई एन 80-80 रूल विच आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, राइट. वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैव मेजरेबल गोल्स, रियलिस्टिक गोल्स और टाइम फ्रेम होना बहुत जरूरी है. हवा में नहीं छोड़ना है ये, मैं इस तारीख तक खत्म कर दूंगा. बी स्पेसिफिक ऑन दोज लाइन्स, ठीक है. एंड हार्ड वर्क तो करना ही है. स्मार्ट वर्क का मतलब होता है ट्रिक सीखना, शॉर्टकट करना, लिमिटेड चीजों को पढ़ना, इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करना, लेकिन साथ में 5 से 6 घंटा एवरीडे का हार्ड वर्क भी जाना है अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं. टॉपर नहीं बनना है, आई एम ओके विद दैट, बट प्लीज मेक श्योर दैट यू शुड डू दैट. ठीक है. फिफ्थ प्रॉपर्टी और द फिफ्थ क्वालिटी ऑफ अ टॉपर इज दे आर प्रोएक्टिव. They finish things on their own, learn to become self-reliant and positive attitudes is important. As I said, they are ahead of schedule. Kuch bhi cheez pending nahi hoti hai. These are very important. Away from distraction, bahut important hai. 33% off aa gaya, ye aa gaya, wo aa gaya. Please don't do that. Theek hai? And last, I said, toppers invest time in sharpening their saw. Jitna jyada sharpening mein time invest karoge, utna aapka achha hai. Solve variety of questions, solve more questions, make separate formula book, use reference book for subjects. You are weak at, ठीक है, जितना टाइम आपके पास है एग्जाम में, अगर आपके पास 18 महीने हैं, अगले साल है, तो सारा सारा रेफरेंस बुक करो. कम टाइम है तो लिमिटेड पे काम करो. रीड अ लॉट, इन्वेस्ट टाइम वाइजली. यू हैव टू डिसाइड कि मेरे को अपने टाइम कहाँ स्पेंड करना है. एंड एक्सरसाइज, ईट वेल, रिलैक्स, फिजिकल डायमेंशन का भी बहुत ध्यान रखना है. ठीक है. सो दिस इज वॉट आई कैन टेल यू. आई थिंक दीज वर द 7 habits विच आई वॉन्ट टू टेल एंड आई सेड 30 minutes में आई विल ट्राई टू कम्प्लीट माई डिस्कशन. आई हैव डन दैट. Quick suggestions, feedback, anything you have. And my suggestion would be कि ये video यहीं पर रहेगा. जैसे आप leave करते हो, इस channel को subscribe कर लीजिएगा. Every Sunday I come like this on 7 PM with different topics, with agendas for you to crack exams. तो इस channel को subscribe कर लीजिए और comment box में, ये live chat को छोड़ के comment में जाके आपका ये feedback कैसा रहा, अच्छा बुरा, जो भी whatever you felt, please write it. That will motivate me to make more such videos. Yeah. Thank you, Raza Khan. Rose, okay. I typically have put smart plus hard, that is smart work, right?
या विश्वजीत? या विश्वजीत, वी हैव लॉन्च अ कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस करके, ठीक है, उसका उसका बाइंग अगर आपको नहीं हो रहा है तो एक बार चेक कर लीजिए. दोज आर बेसिकली क्वेश्चंस विच आर वेरी वेरी टफ एंड विच वी कवर ऑल द कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, सुजीत, व्हाट आर यू आस्किंग? आई एम नॉट गेटिंग इट, प्लीज रिपीट इट अगेन. ध्याना, क्या कुछ हेल्प नहीं कर सकते उसमें बेटा, बिकॉज वी डोंट हैव ई कॉपीज ऑन दैट लाइंस. ठीक है, ओके, थैंक यू मयंक, थैंक यू कुशल. यस डेफिनेटली अमन, इट इज वेरी मच पॉसिबल. विक्टर, मैंने एक सेशन किया था इसी चैनल पे, दिखेगा आपको, 200 डेज फॉर एग्जाम प्रिपरेशन, उसको आप देख सकते हो. धैर्या, वेबसाइट पे एक नंबर दिया है, उसको आप चेक कर लो. अगर सीटीक्यू परचेज नहीं कर पा रहे हो तो सपोर्ट नंबर पे कर लो, या फिर मुझे मेल लिख दो, आई विल हेल्प यू. ये मेल आईडी मेरा लिखा हुआ है स्क्रीन पे. थैंक यू रसिका, ये रिद्धि. क्या चिराग, फाइट मारनी है यार. ठीक है, क्या शकील, वी आर वर्किंग. आई थिंक आपका मेल मिल गया था, मैंने आपको रिप्लाई भी कर दिया है. बिकॉज ऑफ लॉकडाउन वी आर नॉट एबल टू डू दैट. केमिकल इंजीनियरिंग में देर आर चैलेंजेस, आई नो दैट, बट गिव अस सम टाइम मोर. तब तक आप जितने हैं उतनों को जरूर पढ़ लें, उसको स्ट्रांग बना लें. ठीक है, थैंक यू साई. मद्रेश कुमार, सीटीक्यू हैज वीडियोज विद टॉप क्वालिटी क्वेश्चन यतेंद्र एंड सॉल्यूशंस. थैंक यू हिमांशी, वर्क हार्ड. या राहुल, प्लीज राइट अ ईमेल टू मी. आदर्श, यू राइट अ ईमेल टू मी, आई विल हेल्प यू. आनंद, एक साथ एक सब्जेक्ट ही उठाइए. डेफिनेटली आशु, पर्सन टू पर्सन इट डिपेंड्स, यू आर राइट आई बिलीव. लास्ट 6 मंथ का शेड्यूल आई हैव डन इट इन अ वीडियो, आप देख सकते हो. एक वीडियो है 200 डेज प्लान करके, इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा. ठीक है, ओके. आनंद साहू, आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. माधव, थैंक यू. ओमकार, यू राइट अ मेल टू मी, आई विल हेल्प यू. व्हाट इज दैट? I've already done, Priya. 200 days to gate. Already एक वीडियो है आपको, आप देख लीजिए उसमें. Thank you, Kashyap. Live Hindustan, that is the best thing which we can do currently because all the faculty cannot travel. जहां जहां possible है वो कर सकते हैं. Anand, I think I have answered your question. Thank you, Diana. Manish, if you are preparing for gate type exams, aptitude बाद में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. Per day, Victor, around 5 to 6 hours. Yes, yes, yes. Definitely, Biswajit. That is just basics. That is just fundamentals. और उसके बाद आपको practice करनी पड़ेगी. उससे आप topper नहीं बन पाओगे. Yes, definitely. CTQ Mirage has a separate entity. बिल्कुल ही अलग चीज है, बिकॉज फैकल्टीज ने बहुत मेहनत करके कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस बनाए हैं. और अगर आप उसको बाय करते हो तो इट्स अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट करंटली टिल 10th जुलाई. इफ यू बाय दैट, दैट इज जस्ट एट 99 rupees फॉर 100 क्वेश्चंस. मतलब 1 rupee से भी कम आपको पर क्वेश्चन है. एंड दैट अ क्वालिटी क्वेश्चन, यू कैन सी द प्रीव्यू ऑल्सो. ठीक है, ओके. आई थिंक आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस. एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर कोई आपका लगता है तो आप मुझे ईमेल लिख सकते हो, मैंने ईमेल आईडी दिया हुआ है. ठीक है, Palash, there are two different things. You should buy if you want. There are two different things. Getflix and IceGate has nothing to do together, except for the fact that I am the director of both the institutes. ठंडे दिमाग से काम करना है राहुल, that is what I was trying to tell you.
या आनंद फॉर 22 द सेम प्लान कैन बी रेप्लिकेटेड, आपको ज्यादा टाइम डिवोट करना है बस, दैट इज द ओनली थिंग, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। या अभिषेक मिश्रा यू आर सेइंग हाउ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी एंड गाइडेंस, तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए यार पढ़ाई करो ज्यादा से ज्यादा, दैट इज व्हाट आई विल से, ठीक है। या अभिरूप वेरी गुड, आई एम हैप्पी दैट यू शुड डू दैट। या उमेश फाइट हार्ड। मिस्टर चतुर्वेदी विच फीस यू आर आस्किंग फॉर, यस यू कैन, ऐप है आशु, मोबाइल ऐप में आप डाउनलोड कर सकते हो वीडियोज को, मोबाइल ऐप में कर लीजिए आशु, प्ले स्टोर पे मोबाइल ऐप मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू शकील, थैंक यू विश्वजीत, स्प्रेड कीजिए जितना आप लोगों को बता सकते हैं, इफ यू फील दैट इज रियली वर्थ एट अ वेरी वेरी लो कॉस्ट, यस डेफिनेटली ऑन अ बिजनेस एंगल वी आर ऑन अ नेगेटिव साइड, राइट, बट आई बिलीव आई शुड हेल्प स्टूडेंट, दैट इज माय मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए जितने लोगों को आप बता सकते हैं इसके बारे में बताइए, सो दैट एटलीस्ट वी कैन ब्रिंग अप न्यू थिंग्स एंड फास्टर थिंग्स फॉर यू, ठीक है। आई थिंक आई हैव आंसर्ड, नो विक्टर लाइव क्लास वालों के लिए सीटीक्यू नहीं है, दिस इज बेसिकली अ सेपरेट थिंग वेयर वी हैव टू पे द फैकल्टीज, सो एक नॉमिनल कॉस्ट फैकल्टीज ने चार्ज किया है, एंड एंड दैट इज नथिंग टू विद लाइव क्लास बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ लाइव क्लास थिंग, ठीक है। पीस ऑफ माइंड राहुल मैंने ऑलरेडी बताया आपको, पीस ऑफ माइंड या धैर्य पटेल, आई हैव रिसीव्ड योर ईमेल, ठीक है, आई विल रिप्लाई बैक टू यू, डोंट वरी, आप शायद परचेज नहीं कर पा रहे हैं, आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है। राहुल पीस ऑफ माइंड का मतलब यह है कि आप ठंडे दिमाग से चीजों को कर रहे हैं, हचमच नहीं है आप डर नहीं रहे हो, घबरा नहीं रहे हो, ठंडे दिमाग से चीजों को कर रहे, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। बाय अर्जुन, बाय, टेक केयर। हर्ष कुशवा, व्हाट वाज योर क्वेश्चन, आई थिंक आई मिस दैट, कैन यू रीटाइप योर क्वेश्चन। आशु हम लोग बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में कि एग्जाम से एक दिन पहले, मैं बहुत आऊंगा, आप चिंता मत करो, हम हर संडे को आता हूं, एक टॉपिक जैसे एग्जाम पास में आएगा उसके बारे में भी रखेंगे, ठीक है, वन वीक बिफोर द एग्जाम वी विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है। ठीक है अभिषेक, थैंक यू, बाय, टेक केयर। सुभाष बाय, थैंक यू। या आशु, आई थिंक बाय टुमारो वी विल रिलीज द सिलेबस फॉर 15th ऑगस्ट, एंड वी आर प्लानिंग कि उसके पहले भी एक मिनी मॉक करेंगे। ओके हर्ष सर, रिकॉर्ड लेक्चर आर सफिशिएंट और नॉट, हर्ष देखो दैट इज बेसिक्स, अगर आप जीरो पे हो तो वो रिकॉर्ड लेक्चर्स आपको एक लेवल पे ले आएंगे, लेकिन टॉपर बनना है तो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, बिकॉज रिकॉर्ड तो सब कर रहे हैं ना, 70,000 एक लाख बच्चे वो चीजें कर रहे हैं, बट डिफरेंट यू आर डूइंग, तो फर्स्ट पहली सीढ़ी इज टू रिकॉर्ड लेक्चर से कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना, एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, ठीक है हर्ष, आई थिंक दैट इज आंसरिंग योर क्वेश्चन, ठीक है। यस सुभाष, ओके भुनेश, आई थिंक यू हैव गॉट द रिप्लाई फ्रॉम अवर टीम, राइट, यू कैन राइट अ ईमेल, आप ईमेल लिख दीजिए, मैंने ईमेल आईडी दिया हुआ है स्क्रीन पे, आई विल डायरेक्टली रिप्लाई टू दिस, ठीक है। हर्षिका, वी विल कीप अ सेशन ऑन सीवी राइटिंग, डोंट वरी, वेरी सून वी विल डू दैट, थैंक यू राहुल। कैलाश, देयर आर टू डिफरेंट कंपनीज बॉस, इट इज लाइक अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट, दोनों अलग अलग कंपनी है, दोनों सेम चीजें बेचती है, दे आर टू डिफरेंट कंपनीज, ठीक है कैलाश, देयर इज नथिंग कनेक्शन एक्सेप्ट मी। ईमेल आईडी स्क्रीन पे लिखा है भुनेश, ओके ओके चिराग, आई विल टेक योर सजेशन, वी विल डेफिनेटली लुक एट दैट, ठीक है। चलो गाइस, ओके बाय, इफ यू हैव एनीथिंग मोर विच आई मिस्ड आउट प्लीज राइट अ ईमेल टू मी, आई विल रिप्लाई यू बैक, इन केस नीडेड वी विल टॉक ऑल्सो, मेरा नंबर भी स्क्रीन पे है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, एंड वी कैन टॉक, सी यू नेक्स्ट संडे 7 PM टॉपिक इन रोहन की साथ करियर की बात, और रादर करियर की बात रोहन के साथ, बाय बाय, टेक केयर। आयुषी, वी हैव पुट अप अ वीडियो ऑन हाउ टू प्रिपेयर ऑन पर्सनल इंटरव्यूज, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, एंड प्लीज गाइज जैसे ये खत्म होता है कमेंट बॉक्स में जाके एक अच्छा सा कमेंट आप लिख सकते हैं, सो दैट यू नो दिस गेट मोर रेटिंग्स, राइट, थैंक यू, बाय बाय, आई एम जस्ट एंडिंग द मीटिंग नाउ।